तो हम देखते हैं कि एक लड़की शॉपिंग कर रही होती है और कपड़े ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम जाती है, लेकिन चेंजिंग रूम में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और उनको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ किसी का खून हुआ हो। वो बिना सोचे समझे ऊपर चली जाती है और वहाँ पहुँच के डोर लॉक कर देती है और मिरर की रिफ्लेक्शन देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। और उसे तभी एक आवाज़ आती है और वो देखती है कि छत की लगी टाइल आवाज़ कर रही है। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो मिरर में कपड़े को देखती है और उसे दिखता है कि कोई छत से लटका हुआ है। वो पीछे देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता, फिर वापस सामने देखने पर सब साफ होता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक रस्सी दिखती है जो धीरे धीरे नीचे गिर रही होती है। वो काफ़ी डर जाती है और तभी उसे दिखता है कि एक आदमी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और वो वहाँ से भाग के दरवाज़ा खोलती है पर वो नहीं खुलता। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर कोई नहीं आता। वो वापस मिरर में देखती है और वो आदमी बहुत पास आ जाता है। वो जल्दी से मिरर से हटके बैठती है और फ़ोन निकाल कर कैमरे से देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो कैमरा वापस अपनी तरफ लाती है तो वही रस्सी और हाथ उसके बगल में होता है। वो बहुत डर जाती है और हमें मिरर में दिखता है कि उसे वो आदमी फांसी दे रहा है और उसकी वहीं मौत हो जाती है।